भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ राजनेता अपने विचारों के साथ आमंत्रित हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सम्मानीय श्री रामनाथ कोविंद जी, आज के इस समारोह में उपस्थित श्री शरद पवार जी, श्री हरवंश राय जी, श्री खरगे जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री दर्दा जी और श्री भागवत कराड़ जी, इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों, सांसद मित्रों और आज के इस कार्यक्रम में जो सम्मानित किए जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण सांसदगण हैं, उन सबको मेरा सादर अभिवादन। सामान्य तौर पर ऐसे अवसर पर कोई वक्तृता का सवाल नहीं उठता है। ये एक अवसर है जो पिछले 2-3 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से हमारे सामने उपस्थित हुआ है। शायद चौथा अवसर अब ये है, लेकिन उसके पहले भी ये कार्यक्रम बहुत सम्मान के साथ और स्वीकारिता के साथ हमारे सांसद मित्रों ने उसको स्वीकार किया है, उसका स्वागत किया है। मुझे भी इसकी जूरी के सदस्य होने के नाते और इससे सम्मानित होने के नाते इस कार्यक्रम के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे, जो एक तरह से किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, सांसदों के व्यवहार से, वक्तृता से, उनकी कुशलता से, उनके कमिटमेंट से, इन सब को देखकर एक श्रेणी निश्चित की गई है और उसका बहुत, मैं कह सकता हूँ, निष्पक्षता के साथ उसमें चयन किया जाता रहा है। तो इसलिए आज के जितने भी ऐसे सम्मानीय सांसदगण हैं, बहन सांसद बहन और सांसद भाइयों, उन सबको मैं बहुत हृदय से अभिनंदन उनका करता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की उनकी मेधा प्रतिभा प्रकट हुई है उसको वो और आगे बढ़ाएंगे और उससे प्रेरणा लेकर और अन्य आने वाले जो हमारे सांसद हैं, अब तो शायद इस वर्ष में तो एक ही बार शायद हो पाएगा, लेकिन उसके बाद भी जब तक ये कार्यक्रम चलाया जा सके, मैं समझता हूँ वो एक बहुत ही उत्कृष्ट परंपरा होगी और लोगों के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी एक शिक्षाप्रद कार्यक्रम होगा। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की बनाई सरकार सदा अमर रहेगी, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, ये उनके लफ्ज हैं। तो एक चिरंजीवी संस्था के रूप में उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमारे सामने रखा था। अब मैं समझता हूँ कि ये वाक्य अभी तक लोगों को इस बात का स्मरण दिलाता है कि संसद जो है वो जनता द्वारा जनता के लिए जनता के वास्ते बनाई गई जनता की संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है जो सार्वजनिक रूप से बनती है, लोगों के सहयोग से बनती है और उसके जो संवैधानिक तरीके हैं उसके आधार पर बनती है।
लेकिन मैं इसमें समझता हूँ कि एक कुछ थोड़ी सी शर्त और डाल दी जाए। ये बात तो जब उन्होंने कही थी तब से तो शताब्दी गुजर गई, तो इसमें क्या और होना चाहिए? क्या ये सरकार तो बनी रहेगी और जिंदा रहेगी, चिरंजीवी रहेगी, अगर संसद और सांसद और जो सरकार इन सांसदों के द्वारा बनती है वो उत्तरदायी बने रहे। इरेस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट, इरेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड हैविंग ए कंप्लीट अथॉरिटी टू चेक द एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि जो शासन है उसके ऊपर जनता का नियंत्रण कैसे बना रहे, यही लड़ाई थी जिससे इस जनतंत्र की संस्था का निर्माण हुआ था शुरू। तो एक सांसद के लिए जब शायद लिंकन के समय जितनी चुनौतियां रही होंगी, मेरे ख्याल में शायद उससे कहीं ज़्यादा चुनौतियां आज एक सांसद के सामने हैं। एक ही तरफ केवल आपका ध्यान एक मिश्र में क्षण के लिए आकृष्ट करूंगा कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो संसद को जनता के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करने की ताकत है। वो मिलती है संसद के द्वारा सरकारी खर्चों पर नियंत्रण। अगर वो शक्ति न हो कि संसद के बिना अप्रूवल के, बिना उसकी मर्जी के एग्जीक्यूटिव पैसा खर्च नहीं कर सकती, तो संसद बेकार है। और इस पर बड़ी लड़ाई हुई थी, 200, 250, 300 साल तक किसी पर संघर्ष करता रहा कि आखिर सांसद होने से मतलब क्या है, मेरे पास अधिकार कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और अधिकार सारे खासतौर पर वित्तीय अधिकार, द फाइनेंशियल पावर्स, वो अगर मेरे पास नहीं है और वो केवल एग्जीक्यूटिव के पास है तो फिर बेकार है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस बारे में ख्याल भी करने की ज़रूरत है कि क्या सांसद इस बात के लिए तत्पर रहते हैं और रहना चाहिए कि नहीं, कि जनता के द्वारा दिया गया पैसा जनता के लिए काम में लाया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैं दूसरे ढंग से भी कहना चाहता हूँ कि आज कभी कभी मैं देखता हूँ कि सरकारें जो भी पैसा उनके पास आता है उसको एक नई विधि से आजकल खर्च कर रही हैं, और वो है PPP, पीपल प्राइवेट। उसका अंकेक्षण कैसे होता है, ऑडिट कैसे होता है? पैसा सरकार का नहीं है, पैसा तो जनता का है। सरकार जनता की तभी तक रहेगी जब तक वो जनता के पैसे को जनता के लिए प्रयोग कर सके। आपने पास किया एक प्रावधान, उसमें एक बजट का प्रोविजन रखा गया, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपको पता लगा कि एक ऐसी स्कीम आई है कि जिसमें बहुत सारा पैसा उधर चला गया, उसका अंकेक्षण कैसा होता है, उसको ऑडिट कैसे किया जाता है, और ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि जो पैसा उन पीपीज में लगाया गया है वो सही मायने में जनता के पास पहुंच रहा है और जिस काम के लिए दिया गया था उस काम के लिए पहुंच रहा है। ये महत्वपूर्ण कार्य संसदीय जो हमारी कमेटी है उनके द्वारा होता है, उस पर विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब ये संसदीय कमेटियाँ अगर सक्षम रूप से काम करें और नियंत्रण रखें तो सरकारें बेकाबू नहीं हो सकती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी तरफ मैं आप सभी सांसद मित्रों का और अभ्यागत महानुभावों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो पैसा जो कर के द्वारा आप देते हैं उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, उसको जानने की शक्ति और उस पर नियंत्रण करने की शक्ति, ये सांसद की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप इस ताकत का उपयोग निरंतर और सही ढंग से करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकारें बेकाबू होने से रोकी जा सकती हैं, खासतौर पर आर्थिक मामलों में। जो एक और नई बात है जिसके लिए मैं कुछ अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आजकल कुछ नई चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो संसदीय अभी तक की जो भूमिका रही है उसमें लोगों के ध्यान में नहीं थी। बहुत सी नई चीज़ें हैं जिसमें एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है
कि जो सारे विश्व को प्रभावित कर रहा है, देश को प्रभावित कर रहा है, संसद को प्रभावित कर रहा है। मैं संसदीय एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। उसका असर संसदीय एनवायरनमेंट में भी हो जाता है, क्योंकि तूफान वहाँ भी आते हैं तो तूफान यहाँ भी आते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उन तूफानों को का असर देश में और देश के तापमान में और देश के जिसको कहते हैं अधिमान में, उसकी अपनी सहन शक्ति में कितना है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है इस एनवायरनमेंट की तरफ, उस पर ज़रूरत है से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। संसद में और संसदीय प्रणाली में अब इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बात और, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एक नई विधा है और इससे हमारे देश में तरह तरह के आर्थिक प्रबंधन के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। इनका क्या असर पड़ेगा समाज के ऊपर, इनसे इनका क्या हमारी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा, और क्या इसको हम गरीब आदमियों तक पहुंचा सकेंगे, ये सवाल हैं जो आज की अपनी संसदीय प्रणाली के लोगों के सामने हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे कार्यक्रम जिनका आयोजन लोकमत की ओर से अरसान वर्ष से किया जा रहा है, वो हमारे सांसदों के लिए और सांसदों की आगे की प्रगति के लिए, और साथ ही साथ देश पर जितने भी एग्जिस्टेंशियल सवाल आते हैं, अस्तित्व के सवाल आते हैं, उनके बारे में एक गंभीर सोच करने की आवश्यकता को अनुभव कराता है। इन कार्यक्रमों से जनतंत्र मजबूत होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। सांसदों को अपनी प्रगति और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आगे आने वाले सांसदों के लिए एक अच्छे भविष्य का रास्ता खुलता है। मैं लोकमत प्रतिष्ठान को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम भी रखा, और आशा करता हूँ कि इसी तरह से अधिक को अधिक उन्नति करते हुए, अधिक से अधिक सांसदों की प्रतिभा को पहचानते हुए, हमारे लिए एक अच्छी संस्थागत प्रणाली का प्रयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।